2 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज हर तरफ सिर्फ भगवान गणेश का नाम ही गूंज रहा है। सभी गणेश जी के आने की खुशी का जश्न मना रहे हैं। 11 दिनों तक इस त्यौहार को देश भर में बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाएगा। हर भक्त ढोल नगाड़े संगीत और धूमधाम से अपने घरों में भगवान श्री गणेश का स्वागत कर रहे हैं। वहीं भोपाल के निकट बसे सीहोर जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर देश भर में अपनी ख्याति और भक्तों की अटूट आस्था के लिए पहचाना जाता है। देश में चिंतामन सिद्ध गणेश की 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक सीहोर में विराजित है। यहाँ साल भर लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं और ये माना जाता है कि श्रद्धालु अपनी मन्नत के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाकर जाते हैं। बाद में जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु सीधा स्वस्तिक बनाने आते हैं। चिंतामन गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दौरान 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए मन्नत मांगते हैं। प्राचीन चिंतामन सिद्ध गणेश को लेकर पौराणिक इतिहास है। जानकारों के अनुसार चिंतामन सिद्ध भगवान गणेश की देश में 4 स्वयंभू प्रतिमाएं हैं। इनमें से एक रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान, दूसरी उज्जैन के पास, तीसरी गुजरात में सिद्धपुर और चौथी सीहोर में चिंतामन गणेश मंदिर में विराजित है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य सीवन नदी से कमल के पुष्प के रूप में प्रकट हुए भगवान को रथ में लेकर जा रहे थे। सुबह होने पर रथ जमीन में धस गया। रथ में रखा कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में परिवर्तित होने लगा। प्रतिमा जमीन में धसने लगी। बाद में इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। आज भी ये प्रतिमा जमीन में आधी धसी हुई है। गणेशोत्सव में गणेश प्रतिदिन रूप बदलते हैं। भगवान का रोज अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। यहाँ सबसे बड़े मेले में कई लोग आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। मेले में कई अलग अलग तरह के झूले शामिल होते हैं। बड़े झूले दुकानें और मनोरंजक आकर्षक मेले की शोभा बढ़ाते हैं। इस मंदिर में सबसे खास बात यहाँ मनोकामनाओं का पूरा होना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।